दही वाला पनीर बनाने के लिए ये मैंने 150 ग्राम पनीर लिया है, इसे मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है। अब इसे मैरिनेट कर लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर देंगे, आमचूर पाउडर, एक चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। 20 मिनट के लिए रख देंगे इसे। ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है। अब इसमें एक तेज पत्ता डाल देंगे, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी डाल देंगे, इनको भून लेंगे। अब इसमें जीरा डाल देंगे, ग्रेट किया हुआ अदरक, मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें टमाटर, काजू और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। ये मैंने एक टमाटर, 5 काजू, 1 हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है। अब इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। ग्रेवी को मैंने अच्छे से पका लिया है। अब इसमें फेटा हुआ दही ऐड कर देंगे, 1 चम्मच चीनी ऐड कर देंगे, गरम मसाला ऐड कर देंगे, कसूरी मेथी ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से पका लेंगे। लगातार चलाते रहेंगे, इससे दही फटे नहीं। दही डालने के बाद मैंने ग्रेवी को 3 से 4 मिनट अच्छे से पका लिया है। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ पनीर डाल देंगे। और इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाएंगे। पनीर को मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे से पका लिया है। दही वाला पनीर बनकर तैयार है। अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही स्वादिष्ट पनीर बनकर तैयार हुआ होगा। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही आसान, बहुत ही लाजवाब दही वाला पनीर बनकर तैयार है। इसे आप लोग रुमाली रोटी के साथ खाकर जरूर एंजॉय कीजिएगा। सभी लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आएगा। दही वाले पनीर का वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय एंड टेक केयर।